हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और सूर्य देवता ने आज जल्दी से ही दर्शन दे दिए हैं। यहाँ पर माँ आज संडे का दिन है तो बना रही है खीर। उधर कुकर में जो मैंने राजमा रात में भिगोया था वो सीटी लगनी उसमें शुरू हो गई है, उसे उबलने के लिए रख दिया है। आलू उबालेंगे अलग से क्योंकि फिर किरकिरी हो जाती है। आलू में अभी मिट्टी लगी हुई आ रही ना ज़्यादा, तो इस वजह से। और आज मुझे जाना है माड़ी पे अपने गांव की, तो पिताजी को देने हैं पैसे और मंगा लेती हूँ प्रसाद। और मैं नहा के आ गई हूँ, अपने बालों को भी मैंने वॉश कर लिया है। अभी थोड़ा सा बालों को सुखा लेते हैं, और लाइट नहीं है, नहीं तो ड्रायर से सुखा लेती, जल्दी सूख जाते। और यहाँ पर देखिए खीर अभी जल्दी से बनकर हो जाएगी तैयार। आज जो हमारी गाय का दूध है उसमें नाच लगा दिया। नाच लगाने के बाद में फिर ये नहीं रहता कि बच्चों ने बिस्किट्स के साथ चाय पी ली या दूध पी लिया कहीं के साथ में, तो दिक्कत ख़त्म हो जा। फिर इसे हम हंडी में भी रखना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर माँ ने थोड़ी सी साफ़ सफाई करके काम चालू कर दिया है। और आजकल हम लोग गैस के चूल्हे पे कम और मिट्टी के चूल्हे पर दोनों के दोनों टाइम खाना बना रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो गैस के चूल्हे बनता था। कल माँ वे चावल लेने आते ना, वे नू कह रही थी चूल्हे पे बनाओ तुम रोटी, मगर हम तो दोनों टाइम की चूल्हे भी बनावे, अच्छा तीनों टाइम भी बनो। तो उन्होंने कह रही चूल्हा तो बहुत कम लोग जलावे, चूल्हा तो गांव में भी नहीं जलाते। और मौसम है कुछ ऐसा और आज बहुत ज़्यादा ठीर है। ये देखिए बच्चे अभी सारे अंदर है, सोए हुए हैं। पिताजी बैठे हैं बरामदे में, चलो जी चलते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं पिताजी को। पिताजी लो 21 रुपये का प्रसाद ला दो। तो देखिए दोस्तों, हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि अपनी किसी भी चीज़ पर, मतलब स्वास्थ्य के प्रति या स्किन के प्रति ध्यान नहीं दे पाती है। तो जी कई बार सवाल होते हैं कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हो, बहुत ज़्यादा चमक है, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। और मैं पेस्ट कौन सा करती हूँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना तो बनता ही है। और देखिए मिट्टी के चूल्हे पर काम करके हर किसी का रंग जो है वो सांवला हो जाता है, लेकिन मैं फेस वॉश यूज करती हूँ और मैं ममर्थ का फेस वॉश यूज करती हूँ दोनों टाइम, तो इसलिए मेरी स्किन एकदम बहुत अच्छी है। और ममर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एकदम नेचुरल चीज़ों से बनाकर तैयार किए जाते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि मैं 3 महीने से जो है उसे यूज कर रही हूँ। अभी एक नया पैकेट और मेरे लिए आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये है ममा अर्थ राइस फेस वॉश जो कि खत्म हो चुका है, और अभी मैंने दूसरा मंगा लिया है। और इसकी पैकेजिंग देखिए कितने अच्छे से टू फॉर्म में आती है। और ये फेस वॉश आपको 100 ml की क्वांटिटी में मिल जाता है और इजीली ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हैं। और ममर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम नेचुरल चीजों से मिलाकर बनाए जाते हैं और ये पैराफिन फ्री होते हैं। ये फेस वॉश हमारी स्किन के बेस को बैलेंस करता है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ये फेस वॉश हर तरह की स्किन पर सुटेबल है और हमारी स्किन पर कोई भी एजिंग या फिर पिंपल्स नहीं होते हैं। और इस प्रोडक्ट में नियासिनामाइड, राइस वाटर, विटामिन ई और ग्लिसरीन का भी यूज किया गया है। इससे हमारे चेहरे पर कोई भी एलर्जी नहीं होती है। इसमें जो राइस वाटर है वो ऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होता है और ये पिंपल्स को दूर करके हमारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा ग्लो लाता है। ममा अर्थ राइस फेस वॉश एंड राइस वाटर, ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूट्स आर स्किन टाइप्स। ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और मेरी स्किन पर तो काफी सूट आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी इसके बारे में बाहर ही बताया गया है, बेस्ट ऑफ नेचर है, नो टॉक्सिन्स है, क्रुएल्टी फ्री है, प्लास्टिक पॉजिटिव है। और इसे हमें इसी तरीके से यूज करना है जैसे हम लोग नॉर्मल सा फेस वॉश यूज करते हैं, थोड़ी ही क्वांटिटी में इसे यूज करना है और अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो उनके अपने होते हैं, एकदम नेचुरल चीजों से बनाकर तैयार करते हैं क्योंकि वो अपने ही पेड़ उगाते हैं और अपने ही प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर मिल जाते हैं। ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव है। इसके जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको ममा अर्थ की वेबसाइट और ऐप से अवेलेबल हो जाते हैं, आपके नजदीकी स्टोर पर भी मिल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैंने ये वाली जर्सी निकाल ली है पहनने के लिए और आज मैंने पहना है अपना पीला सूट ये वाला, तो इस वजह से सोल ये ओढ़ कर जाऊंगी, रेड वाला और ये वाली जर्सी। और जब गर्म कुर्ती पहनते हैं ना तो ये वाली स्वेटर पहनने नहीं जाती उनके ऊपर, फिर तो बस इनर और कुर्ती चलता है। तो मैंने सोचा इन कपड़ों पर प्रेस हो ही रखी तो आज इन्हें ही पहनते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो चलो जी अभी बालों का पानी जो है वो सुखा लेते हैं
और थोड़ी देर बाद मिलते हैं तैयारियों के साथ में। हो गई है माड़ी पर जाने की तैयारी, सामान ले लिया है सारा और माँ ने खीर भी बनाकर कर दी है तैयार। तो चलो जी चलते हैं और पूजा पाठ करके आते हैं, प्रभु का भजन करके आते हैं। और इधर हमारी बाइक ना स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रही। इतवार का दिन और श्री गुरु गोरखनाथ के चरणों में हाजिरी लगाने आ गए हैं हम लोग। सर्दी है बहुत, अरे देखो ये कह रही है कि पांव ठंडे हो गए बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी शक्ति देंगे, बाबा जी इतनी शक्ति देंगे कि इनकी पूजा पाठ और इनके चरणों में हम हाजिरी लगा सकें। ये है हमारे गांव की माड़ी, श्री गुरु गोरखनाथ का धाम। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए संडे में ही आते हैं, तो इतवार का दिन तय होता है इनकी पूजा के लिए और शनिवार का भूमिया खेड़ा की पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखो पूजा पाठ चल रहा है। तो जी पहुँच गए हैं पूजा सामग्री लेकर बाबा जी के दरबार में, और मैं भी हाथ जोड़ लूँ, पूजा अर्चना कर लूँ अब थोड़ी सी। ये भी खत तो वो प्रसाद के तौर पर आए तेरे लिए, इसे पार्ले जी के तो टेस्ट का नहीं पता, या फिर गुड्डे के खट्टी होगी। सर्दी देखो कितनी है। हाँ बोल तो रहा, इसका क्या कर दिया तन्ने? मैं कर रहा, क्या करा तन्ने इसके, पूंछ काट दी है भाई लाला, बता चार दिन का तो है यो, आज इसकी पूंछ काट दी ना, ये बदी खोर हो गया छोटू ज्यादा है। और क्या बन रहा इसके, अभी बिजली कटरा दिखा खून तो अब पहला ही हो रहा है, जड्डे में कितना दर्द कर दिया इसका बेचारे का, कुछ तो है ही कमजोर सा, टी टी कर रहा देख तो ही, अब बिजली कटी का देखियो। हाँ और जब तो ये हाथ नहीं लग पा, ये देखो छोटू ने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने कपड़ा समझकर उसकी जो लाला है उसकी पूंछ भी चबा दी मुंह से ही। और यहाँ पर मैं आते ही लग गई थी माँ का आशीर्वाद लेते ही, माँ बोल रही थी चाय पी ले, मैंने कहा नहीं, एक बार देवताओं के लिए भी पूजा करनी है। जो घर में हम लोगों ने खीर बनाई है वो रोटी पे रख के उनका नाम लेकर जो है एक बार धोख लगा देंगे और उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो जी यहाँ पर आलू जो हमने मैश कर लिए हैं, माँ ने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी, और आज हम बना रहे हैं राजमा जो मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था, अच्छे से फूल जाता है। और बच्चों की फरमाइश है कि रोटी मत बनाना, आप चावल बना देना, तो माँ बोल रही थी खीर खा लेना, और कन्या जो है जब चंदन लग जाएगा अमावस्या के बाद में तब हम लोग उन्हें भोजन कराएंगे खीर बना के अच्छे से। तो जी अभी तो बस हमने ऐसे ही जैसे कि दूध इस्तेमाल होता है ना, मट्ठा वगैरह भी पी लेते हैं खाने के साथ में, तो इस वजह से धोख लगा दी थी हर जगह, और दो देवताओं के नाम के घर पे ही लगा दी थी। और देखिए चंदन अंधेर पागड़ वाले के उसमें तो नहीं चलता है, हमारे यहाँ पर उस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर उसमें सीजन में जाया जा सकता है। तो मैंने डाल दिया है इसमें अभी जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं पता है, जैसे माँ बताती है मैं ऐसे करती जाती हूँ। तो यहाँ पर आलू और जो राजमा है वो बनाकर मैंने तैयार कर दिया है, अब ये पकते रहेंगे और जब तक हम बनाएंगे आटा और चाय रख दूँगी गैस के चूल्हे पर बच्चों के लिए। उसके बाद में आज बच्चों को नहलाना है क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल गई है, और जो भैंस का दूध है वो हंडी में रखना है क्योंकि गाय के दूध की हम लोगों ने खीर बना ली। और यहाँ पर इसकी चल रही है मस्ती क्योंकि ये करवा कर आया है कटिंग, कई दिन हो गए इसके बाल माथे पे आ रहे थे और ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने आज इनके पापा को ही भेजा था, तो इसने एक चॉकलेट के बहाने से ही ये बालों की कटिंग कराई है। तो वहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक कर रहा था ये सब के साथ में जितने भी वहाँ पर बैठे हुए थे लोग। तो अभी मैंने साथ के साथ हंडी में दूध कर दिया है, हंडी को माँ ने साफ़ करके रख रखा था पहले ही, उधर मशीन भी लगा दी है, तो कई कई काम एक साथ चल रहे हैं हमारे, और बस ये हो जाएंगे फिर अपने दूसरे काम को निपटाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे बड़े भाई साहब के मित्र, हमारे भी भाई साहब हैं डॉक्टर रविंदर सिंह उपाध्याय जी, और डॉक्टर साहब किसके हैं, ये डॉक्टर हैं वेटनरी के। आज ना हमारा जो ये लाला है इसकी पूछ कालूराम ने चबा दी थी, कटड़े का नाम रख रखा हमने अपने कालूराम, इसका है लाला, ये कटड़े ने चबा दी रात में, हम देख नहीं पाए और सुबह देखा तो ब्लड निकल रहा था। डॉक्टर साहब को हमने बुलाया है और डॉक्टर साहब ने इसको पट्टी की है,
तो डॉक्टर साहब से चाय पानी का पूछा गया, तो चाय पानी तो नहीं, आज संडे है, अनाज लगाया दूध में, खीर बनाई हुई थी तो प्रसाद के रूप में खीर डॉक्टर साहब को खिलवाई रही। आज एक फिर झमेला हो गया हमारे साथ में। आए दिन घर में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। सुबह के टाइम जब मैं नहाई थी तब तो ये चल गया था गीजर, ये वाला। अब हमने सिलेंडर भी जो है चेंज करके देख लिया, पूरा भरा हुआ सिलेंडर लगाया। पहले हमने सोचा कि 2 महीने हो गए हैं कभी सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो उसे हिला के देखा, उसमें भी गैस है, उसमें भी लगा के देखा गैस के चूल्हे में। तो जी हुआ क्या, इसमें ही हमारे गीजर में कुछ दिक्कत आ गई है और हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, उन्होंने फ़ोन कर दिया है, मतलब जो सर्विस के लिए आते हैं, घर पर ही सर्विस होगी इसकी, लेकिन उससे पहले एक फॉर्म जो है भर के सबमिट किया जाता है। तो अभी इसके पापा जाएंगे बुढ़ाना, जिस शॉप से हमने ये खरीदा था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था हमने, ये यहीं से जो हमारा लोकल वाला कस्बा है उसी से हमने खरीदा था, और इलेक्ट्रिशियन भैया की सलाह से ही हम लोग इसे लेकर आए थे, उन्होंने ही लगाया था। जो बिजली वाला गीजर होता है उसके ज़्यादा फायदेमंद होता है ये गैस वाला। तो जी हमारा तो ये भी ख़राब हो चुका है, बच्चे भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर आज सबको गर्म पानी करके देना पड़ा, और बेड का सिराना और जो बची हुई लकड़ियाँ थी वो चाचा जी ने यहाँ पर रखवा दी हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं चोट लगवाने का डर रहता है। एक दिन तो ये गिर भी गया था इसी वजह से एक साइड में, और इसके नीचे से देखो मनी प्लांट निकाल नहीं याद रही चाचा जी के, और ये जितने भी लकड़ी के गुटके हैं इनसे खेलते हैं बच्चे, चोट लगने का इससे भी डर रहता है। और यहाँ पर हमारी तुलसी माता एकदम सेफ है, सर्दी से हमने इन्हें बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा है और इस वाली डंडी का सहारा दे रखा है। वैसे तो इनका सहारा सब पर है हम पर, लेकिन इन्हें थोड़ी सपोर्ट देनी पड़ी ना, ये थोड़ी सी फैल गई थी इधर। इन पौधों पे कुछ भी फूल आए नहीं, लेकिन इन्हें मुझे चेंज करना है, उससे पहले इन सारे गमलों के ना नीचे छेद करवाना पड़ेगा। हमने की है सबसे बड़ी गलती, इसी वजह से इनमें नीचे हवा नहीं पहुंच पाती, छेद करवाने थे गुड्डू के पापा को इनमें, लेकिन हमें याद नहीं रहे हुए। और ये देखो ये भी अभी तक यहीं पर पड़े हैं सामान, अभी पता नहीं कब नंबर आएगा इसे अंदर संगवाने का, सोच रहे कि पॉलिश हो जाए इस पर तभी इसको अंदर रखे। और मैं तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसका कर रही, क्योंकि जो मेरी मेज है ना वो हिलती रहती है और ये लेकिन ये एकदम सॉलिड बनवा दी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए राम 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 करते ही आपको चला गया।